सिंह दोस्तों, मैं बोहर की अनाज मंडी में मौजूद हाँ, जिथे अज किसान जागरूकता रैली की जा रही है, जिस से संगत पहुँचनिया शुरू हो गई है। तुम लाइव विखावे, इतों किसान नेतावान गलबात करावे। जुड़ो, उस तो बाद आप शुरू करते हैं। हुणे शुरू हो गई है जागरूकता रैली जिहड़ी अज महापंचायत, जिसका नाम इस वक्त स्टेज उपर गुरमीत प्रजापत ओबीसी दे चेयरमैन संबोधित कर रहे ने। ये हुणे स्टार्टिंग है। अनुसूचित जाति के लोगों को दबाने के खातिर एससी एसटी एक्ट है जिहड़ा उसनू खत्म करने की कोशिश की, पर एससी एसटी समाज ने पूरे भारत के विच बंद करके वो काला कानून है जिहड़ा वो वापस करवाया। दोस्तों थोड़ा जा रैली तो दूर होके आप गल करांगे। डीआईजी जेल साडे नाल ने सरदार लखमिंदर सिंह जी जाखड़, इन्होंने अपनी नौकरी जिहड़ी है किसानी अंदोलन नू समर्पित करती। दोस्तों मैं दस्या साडे नाल डीआईजी सरदार लखमिंदर सिंह जाखड़ ने, जिन्होंने किसानी अंदोलन वास्ते अपनी नौकरी त्यागती। सर अज जिहड़ी रैली इहदे बारे की कहो? अज की रैली किसान चेतना रैली हबौर, एक किसानी जिहड़ा अंदोलन है उसनू होर ताकत देने लई असी रखी है। हबौर दे विच जागरूकता लियाउण लई साडे व्यापारी भाई, मजदूर भाई, किसान भाई, साबका फौजी इस विच पहुंचे है, होर बहुत सारे लोग पहुंचे है, सेवा संस्थावां पहुंचीआं है। ये सारे असी किसानी संघर्ष दे विच आपदा योगदान पा रहे हैं, और असी काले कानून है जिहड़े रद्द करा के करना है। एम एस पी दे लई साडी दूजी लड़ाई है, असी काले कानून वापस कराने ते एम एस पी भी लैनी है। ये साडा एजेंडा है, साडी लीडरशिप है जिहड़ी वो इस बारे बहुत वड्डे पद्धर ते लगी हुई है। हबौर दे लोगां नू, हबौर दे व्यापारी, समाज, किसान सारयां नू होर वधेरे योगदान लई जागरूक करना साडा फर्ज बनता सी, इसलिए ये रैली रखी गई। सर अज कुछ लिखा होया कि दिल्ली बॉर्डर दे उत्ते जिहड़ी आ किसानी मोर्चे नू होर ज्यादा स्ट्रांग करन वास्ते, बिल्कुल बिल्कुल लगदा है भी कोई कमी आ रही है तां जो इस तरह? नहीं नहीं, कमी नहीं आ रही। जिवें हुण फसलां आ जाणगीआं, लोग थोड़ा जिहा वापस आउणगे फसलां कढ़न, तां ओह उस वक्त उत्थे किसी तरह की कमी नज़र ना आवे। असी उस वक्त भी उत्थे हाजिर रहांगे तां जो उन्ना ही शक्तिशाली साडा मोर्चा रहे जिन्ना पहला अज चल रहा है या अज तो महीना पहला सी। किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं है, जे कोई कहिंदा कमजोरी है तो उहदा भुलेखा कढ ले। किसान डट के काले कानून का विरोध करता है, करता रहेगा, और सरकार नूं इह काले कानून वापस हर हालत च लैणे पैणगे। अज जिहड़ी रैली है इह किस तरह अज लोकां नूं जागरूक करन वास्ते कौन कौन इत्थे आ रहा जी? इत्थे अपणे बूटा सिंह गुरजगिल, हरनेक सिंह, मनजीत सिंह धनेर, हरनेक सिंह महमा, ये सारी लीडरशिप किसानों की 40 मैंबर के विच है, 40 कमेटियां के विच है, उन्हां विचों इह साढ़े नाल आर डी बिश्नोई जी भी ने जिहड़े कि जीव रक्षा वास्ते बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एशिया की सब तो वड्डी सेंचुरी उहदे विच काम कर रहे हैं, पिछड़ों बचाने वास्ते आर डी जी की कहना चाहोगे अज्ज बारे? देखो अज जन जागृति रैली है,
किसान नू जिहड़े तीन काले कानून बनाए है वह रद्द कराने है। मोदी सरकार की जिहड़ी है नाकामियां जिहड़े उन्होंने गलत फैसले ले उहदे खिलाफ जिहड़ा किसान जिहड़ा है 2021 की जिहड़ी जन क्रांति है वह बड़ा जिहड़ा हज़ारां की गिणती च जिहड़े किसान अबोर दाणा मंडी विखे पहुँच चुके ने ते पहुँच रहे ने ते रैली जिहड़े साडे हक हकूक की सच्चाई की साडी लड़ाई है। बच्चों का भविष्य का सवाल है। धरती माँ है ओदे ते कोपरेट कराने कब्जा करना चाहते हैं। जिहड़ा किसान है 70% जिहड़ा अन्न पैदा करके देश नूं दिंदा है ते 70% किसान है जिहड़ा दुध है सब्जियां है अनाज है मक्का है बाजरा है कणक है वह सब का पेट भरता चाहे पक्षी है चाहे कोई जानवर है सब का पेट भरता है। तो अज किसान सड़कों पर रुड़ रहा है तो सरकार सुती पई हुई है कुंभकर्ण की नींद उन्होंने जगाने वास्ते हिंदुस्तान से लीडरशिप वालों किसानों वालों ये जड़ी रैलियां की जा रही हैं जिहड़ा घर घर तक पिंड पिंड तक बच्चे बच्चे तक किसान तक ये संदेश जाए व्यापारी कीर्ति कामा हर बंदा जाग जे ते ओ जेड़ा अपना हक लेके रहिए। किसान है जेड़ा खेतों का राजा है ते गुलामी करना ये पसंद नहीं करता आपदे खेत ते राजा बन के कम करना चाहता है ते आपदा जेड़ा हक है जेड़ी सच्चाई है ये तन्ना भगत है किसान है जेड़ा इनू आपदा हक दिता जाए ते ये जेड़े 11 मीटिंगा किसानां दी हो गई वो जेड़िया उन्हां दा जेड़ा सिट्टा है वो जेड़ा जीरो रहा है। सरकार इनू मतलब जेड़ा खिलवाड़ समझ रख्या है सरकार ये अपनी भुल कढ़ दे भई ये जेड़ा किसान है ये जेड़ा चला जूगा करे ये किसान कदे नहीं जाऊगा जब तक ये साडा संघर्ष असी जित के करे नहीं जावांगे ये साडे जेड़ा हक हकूक की लड़ाई है साडी ये जेड़ी रोजी रोटी है ये जेड़ा कब्जा किया जा रहा है ये कब्जा डाका जेड़ा नहीं पैण देंगे ये किसान है जेड़ा ये हुण जाग चुका है आपदा हक लेके रहूगा। ये असी सारे परिवार जेड़े सारे छत्ती बरादरियां जेड़े सारे समाज जेड़े सारे व्यापारी कीर्ति कामा सब जेड़ा है ये जेड़े अंदोलन हो रहे हैं तो ये सरकार के खिलाफ हो रहे हैं तो असी सरकार को जगाना चाहते हाँ सरकार जल्दी तो जल्दी कानून वापस लवे तो किसानों का हक दे तो देश में तरक्की करे यही साड़ी मंग है। बोले गुरु जंबेश्वर भगवान की जय। देखो जी ये रैली इसे करके ही कर रहे हैं इतने थोड़ी जी जागरूकता घट सी इसे करके पिंड पिंड गई असी टीम सारी जाके बेनती करके आए हाँ भी दिल्ली बार्डर से पहुंचो तो इतने जेड़ा अपना जेड़ा अपना हक है ये वास्ते लड़ाई लड़ो नहीं आने वाला भविष्य अपना खराब हो जूगा। बल्लुआ ने हल्के के पिंड हबोर हल्के के पिंड फाजिलका हल्के के पिंड एक एक पिंड गए हैं जी जी जागृति लहर है चला के आए हैं तो इस करके किसान जाग चुका है इस करके सबूत हूँ रैली से होगा लखा की गिणती से जेडे हजारों की गिणती से लोग आएंगे यही सबूत है लोग जाग चुके हैं अपना हक लेके रहेंगे। बोले गुरु जंबेश्वर भगवान की जय। काफी गैदरिंग हो गई है होर किसान नेतावा मिलावांगे मेरे नाल कैमरे जी ने सोनू सियाग जी अज ड्यूटी निभा के कैमरे के उपर सोनू जी आयो चलिए आप अगे चलते हैं। होर जिहड़े भी किसान नेता सानू जानदे उन्होंने मिलांगे दसांगे इंद्रजीत बजाज जी ने सर यह जागरूकता रैली खास करके अबोहर एरिया कि अबोहर एरिए जागरूकता घट है लोग उत्थे बहुत घट पहुंच रहे की कहना चाहोगे अज जागरूकता रैली नाल असर पेगा। देखो नियर अबाउट जो है दिल्ली असि 26 नवंबर तो ज़्यादा समा हो गया दिल्ली के बुआ तो बैठे साडा एक अबोहर इलाका है जिहड़ा मतलब कि किन्नू पट्टी होने के बावजूद सीजन सीगा दिल्ली नहीं पहुँच सकता असं किसानों जागरूक करने वास्ते ये अज किसान की जागरूकता रखी है कि किसानों जागरूक कर रहे हैं क्योंकि जोड़े किसानी हक ने लैने बहुत जरूरी है तीन बिलों के खिलाफ जे गल करिए सेंटर सरकार की सेंटर सरकार कणक का सीजन आने तैयार अज आड़ती एसोसीएशन भी साढ़े नाल है तो बिल्कुल हजे तक बारदाना प्रोवाइड नहीं होया जे यही हालात किसान के चलते तो यकीन तौर पर किसानी खत्म हो जूगी। कल तुम देखा बैंक वाले हड़ताल से अज एल आई सी हड़ताल से है 15 मार्च में 7 बिल जिहड़े है लोग सभा के
पेश किए सरकार ने। बिल्कुल सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। किसान जागरूक करना सा फर्ज है, तो किसान चाहिए भी बिल्कुल आपके हकों की राखी लिए बिल्कुल इस स्टेज साढ़े नाल आके आपकी आवाज़ बुलंद कर, नहीं तो सानू एक दिन गुलामी बेड़िया पौड़िया पैनगियां। सर एक जरा एफ सी आई ने नवा एक डिसीजन लिया है कि किसानों के खाते सीधे पेमेंट जाएगी, उस उद्देश्य वेख दो कि आढ़तियों के किसानों के रिश्ते जो है खत्म कर दिए। देखो जरा मोदी सरकार है वो आपके आप सच साबित करने किसानों की अदायगी सीधी कर ली भी अभी जोड़े है थोनू कमीशन एजेंट खत्म कर रहे हैं। एक कमीशन एजेंट ही खत्म नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर ने साडे सानू सर्विस देंदे आ साडी कणक मंडी विच आउंदी उहनू साफ करदे उहदी बोली करवाउंदे उहनू विकाउंदे आ साडे पैसे दी सेफ्टी आड़तियां रही है। जेकर देखिए जो सरकार दे नवे फरमान आए आ भी जिहड़े कणक वेचणी है उह फरदां देऊगी आपदियां जी, ते पंजाब दे विच 42-47% जिहड़ी हैगी आ खेती आ उह ठेके ते लै के हुंदी आ, कुछ कोई नौकरी करदे आ, कोई अबरॉड रहिंदे आ। इस करके इस नाल सारा ही ढांचा पंजाब हिलजूगा, तो पंजाब जो खेत मजदूर है वह भी बेरोजगार हो जाएंगे, तो आढ़ती है जोड़े अब साढ़े नाल आके इस धरती से बैठे संघर्ष सारे साडे सब का साझा, चाहे वह बैंक कारपोरेट हो, चाहे वह एल आई सी हो, चाहे आढ़ती हो, चाहे पलेदार हो, चाहे किसानी हो, किसानी बजूगी तो सा ही सारे रोटी खा सकते, क्योंकि किसानी ना ही सारा धंधा जुड़िया हुआ। किसान अंदोलन जिहड़ा चल रहा है, जिहड़े केंद्र सरकार ने तीन काले कानून पास किए हैं उन्होंने रद्द कराने वास्ते सारे जिहड़े किसान लोग जेडे कि दिल्ली नहीं पहुँच सके या दिल्ली पहुँचने लिए बेनती कर रहे हैं कि तिना किसान अंदोलन जेडे कानून नो वापस करवाया जाए, ये साडा अज मकसद है। पर जिहड़ा अज दी जिस तरह की रैली है इन्ना जोश ते खरोश लोकां दे विच कदे मैं नहीं वेख्या, ते लोकां दा किसानां दा जोश वेख के लगता है कि तीन कानून एक दिन केंद्र सरकार नूं वापस लेने ही पैणगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इत्थे देखो संगतां ने पहुँचना शुरू कर दिता है, तो तुसीं देख रहे हो स्टेज तो बाहर की जिहड़ी गतिविधियां लाइव, इस वीडियो नूं भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दिओ तां जो केंद्र तक साड़ी गल पहुंच सके। सुखमणी सोसाइटी नानसर टोबा वालों प्रधान बीपी कुलवंत कौर जी वो भी समेत बीपियों के नाल जथा लेके आए जी आया नो। इस्त्री सिंह सभा गांधमा साहब प्रधान मिंदर कौर जी वो भी आपका जथा लेके आए, सुरिंदर कौर जी धनबाद जी आया नो। एक मेरी बेनती है आप जी नो गुरद्वारा श्रोमणी अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जी पांच पीर नगर हबोर वो भी इतने आपका सारा समेत जथा लेके आए हैं, धनबाद जी आया नो। अगली मेरी मेरे गतका अपनी टीम है वो आ जाओ, उन्होंने मेरी बेनती है गतका जी टीम है वो आ जाओ। प्रधान साहब रहीम नड्डा जी मैं बेनती करना बोली हूँ हरिपुरे तो बाबा हरबंस सिंह जी करनैल सिंह जी उन्हां तो वसाए हुए बाबा बाबा बचन सिंह जी बाबा महेंद्र सिंह जी कार सेवा दिल्ली वाले लंगर की सेवा जिहड़ी आ तन मन धन के नाल आप
ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਗੁਲਾਮ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਆ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣਾ, ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੁਰਖੜਾ ਔਰ ਖੇਤ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪਰਚੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਹਰੀ ਨੱਡਾ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੋ ਡੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਗਤਪਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਆਰ ਦੱਸੋ ਪਾਓ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੱਕ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਤਕਾ ਟੀਮ ਗਈ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਮਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜ ਪੀਰ ਨਗਰ ਹਬੋਰ, ਔਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ। ਖਾਤੀਆਂ ਤਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪੇ ਦੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ
ਕੁੱਝ ਕੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹਾਂਜੀ ਬੀਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇ ਕਰ ਲਓ ਚੱਕ 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 ਚੱਕ
जी पहुंच रही है वो दिखा दी है, उस तो बाद तड़ तो विदा लेने हैं, थोड़ी देर बाद फिर तो लाइव होवांगे। देखो संगता किस तरह पहुंच रही ने, बहुत वड्डी स्टेज आज अबोहर दी अनाज मंडी विच। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, तो इस वीडियो नू ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दिओ ता जो किसान मजदूर एकता जी है वो होर मजबूत हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, तो जो दोस्त नवे जुड़े है वो साढ़े पेज में लाइक कर लो, ता कि फॉलो भी कर लो, ता जो तुम्हें लेटेस्ट जी न्यूज़ है वो सब तो पहला मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।